रजा मेरा बंद है, उसको हर मिथिला धाम जनकपुर के सरस्वती नगर पाप मोचनी मंदिर में इन दिनों शिव महापुराण कथा से माहौल भक्तिमय बना हुआ है, जहां बेनी पट्टी के कथा प्रवक्ता पंडित दीपक झा कथा का वाचन कर रहे हैं, जिनकी मधुर वाणी में सभी प्रसंगों के साथ संगीतमय प्रस्तुति श्रद्धालुओं का मन मोह रही है। पंडित मोहर झा शास्त्री और पंडित संतोष झा के द्वारा विधिवत पूजन एवं शिव पुराण मूल पाठ किया जा रहा है। वहीं शिव महापुराण कथा आयोजन में अपने संगीत से समा बांधने के लिए अपने बेनी पट्टी के राकेश झा व उनकी आरएस म्यूजिक टीम उत्कृष्ट गायन से कथा में चार चांद लगा रही है। देखिए जनकपुर धाम नेपाल में हो रहे शिव महापुराण कथा की कुछ झलकियाँ। जब आप शरीर से स्वस्थ है, मन चित्त शुद्ध है, उसी समय आपको अपने से जब जब करना भी चाहिए और करवाना भी चाहिए। क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, तब अगर भगवान का नाम का आप चिंतन करते हैं, भगवान नाम का स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, तो आपका दुख कहाँ से है? लेकिन यहाँ तो उल्टा करते हैं, सोचते हैं कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा, क्यों कुंडली दिखाएं, क्यों भगवान का नाम लें, क्यों पूजन करें, क्यों पाठ करें। जब हम स्वस्थ हैं तभी अधिक से अधिक भगवान का नाम का चिंतन करते हैं। अगर जब हमारे शरीर में ताकत है तभी हम भगवान का नाम का अगर चिंतन करते हैं, तो वह चिंतन हमें अधिक सुख दे सकती है। लेकिन जब मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, नाना प्रकार के हम रोग व्याधि से ग्रसित हो जाएंगे, तब कितना भी हम जब पूजन पाठ करवाए तो यह शरीर स्वस्थ नहीं हो पाएगा। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हरि हरि आनंद ही आनंद है, उसको हरि हरि आनंद ही आनंद है। लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा इस दुनिया को कर किनारा, लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा इस दुनिया को कर किनारा। राम जी की रजा में रजा बंद है, राम जी की रजा में रजा बंद है, उसको हर हरि आनंद ही आनंद है, उसको हर हरि आनंद ही। बेनी पट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनी पट्टी बेटा बाजार।